नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं डिस्पैच शेड्यूल। डिस्पैच शेड्यूल बनाने के लिए हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे पीटीएम पे, यूजर आईडी सुपर यूजर की आईडी डालेंगे, सभी डिवीजन को मिली हुई है। पासवर्ड इसके बाद शेड्यूल पे उस अब इसमें आएगा क्रिएट शेड्यूल, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहां से हम सेलेक्ट करेंगे शेड्यूल टाइप, हमें किस टाइप का शेड्यूल क्रिएट करना है। यहां पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जो बनाना है शेड्यूल जिस टाइप का उससे आप कर सकते हैं। हमें बनाना है आज फुट शेड्यूल, तो मैं फुट शेड्यूल सेलेक्ट कर रहा हूं। अब यहां पे आ रहा है शेड्यूल, मतलब शेड्यूल का आईडी क्रिएट करनी है, शेड्यूल का नाम देना है। यहाँ पे एक शेड्यूल का नाम देंगे, तो नाम दे रहे हैं SCH अंडरस्कोर बरेली से M बरेली अंडरस्कोर वैलिड फ्रॉम, यहाँ पे हम आज की डेट डालेंगे, टू 2 साल के लिए हम बनाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि प्रत्येक 2 साल में DMSL का रिव्यू होता रहता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं, इस वजह से हम मैक्सिमम 2 साल ही डालेंगे इसमें। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे हम डालेंगे बरेली CRC की फैसिलिटी आईडी, या फिर जहां से हम शेड्यूल क्रिएट करेंगे उस ऑफिस की फैसिलिटी आईडी। इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करते ही वो डिटेल पूरा अपने आप वो फेच कर लेता है। देखिए यहाँ पे बरेली RMS BL अपने आप ही शो कर रहा है। इसके बाद हम दोबारा क्रिएट पे क्लिक करेंगे और इस जगह पे हम डालेंगे जहाँ के लिए हमें बैग भेजना है, मुझे सारा बैग भेजना है MA बरेली को, मेल एजेंसी बरेली को, तो हम यहाँ मेल एजेंसी बरेली की आईडी डालेंगे जो कि है और इंटरप्रेस करेंगे। ये देखिए अपने आप आ गया। फिर से हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इस जगह फिर से हम बरेली CRC की आईडी यहाँ पे डाल के पेस्ट करेंगे। अब हमें इसका डिस्टेंस डालना है, डिस्टेंस कितनी है, बरेली RMS BL से बरेली MA की डिस्टेंस है 100 मीटर, तो हम इसे 100 मीटर डालेंगे यहाँ पे 100 मीटर। और फिर बरेली TMO से RMS की डिस्टेंस कितनी है, वो भी 100 मीटर ही होगी। अब हमें यहाँ पे डालना है इसका कितना समय लगता है यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है, यहाँ उसे डालना है। इसके लिए हमें लगते हैं 5 मिनट, मुश्किल से तो 5 मिनट हमने यहाँ पर डाल दिया, 5 मिनट, 5 मिनट यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने में 5 मिनट लगता है, तो फिर यहाँ पे भी हम डालेंगे 5 मिनट ही। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे लेंथ ऑफ स्टे, कितने मिनट तक वो रुक रहा है, जब डाक देने जा रहा है वो बैग देने, तो कितने मिनट तक वहाँ पे रुक रहा है हमारा मेल एजेंट या फिर जो भी हमारा MTS है, कितने देर तक रुक रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे, तो 10 मिनट समझिए वो रुक रहा है वहाँ पे।
सारा चार्ज देने में उसे 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट हमने रखते हैं। यहाँ पे बस इतना ही था, इतना ही करना है हमें। उसके बाद हम आ जाएंगे डिपार्चर रूल पे, यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करते ही सारा डाटा ये अपने आप देखिए इसने अपने आप फेच कर लिया। अब हमें सेकेंड ड्रॉ को सिलेक्ट करना है, उसके बाद सभी डे पे किस किस दिन आप डाक भेज रहे हैं, डाक का आदान प्रदान हो रहा है आपके यहाँ से, उस डे को आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो है हमें यहाँ पे डिपार्चर टाइम डालना है, मतलब कितनी बजे वो बैग दे रहा है बरेली आरएमएस से एमए को, कितने बजे बैग भेज रहा है। तो हमारे यहाँ वो बैग दिया जाता है 5:30 सुबह के, तो हम 5:30 कर दें, ठीक। इसके बाद हम इंटरफेस करते हैं, करते ही इसने अपना सारा टाइम खुद ब खुद कैलकुलेट कर लिया है। देखिए फिर पहली लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम जनरेट डिपार्चर पे जाके फोर वैलिडिटी पीरियड पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक किए, अब हम फिर से ऊपर जाएंगे और इस जगह सेव पर हम क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करते ही एक मैसेज आएगा, डेटा सेव सक्सेसफुल। अब हम इसके बाद जो शेड्यूल, इस शेड्यूल को हमारा क्रिएट हो गया, इसके बाद अब हमारा काम है इसको डाउनलोड करना और इसको मेंटेन करना। शेड्यूल डाउनलोड और मेंटेन करने के लिए हम लॉगिन करेंगे ईसीपी में। ईसीपी में सुपर यूजर की आईडी डालेंगे, पासवर्ड, इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम डाउनलोड करने के लिए इसका टी कोड डालना पड़ेगा जो कि है ZMOSCHDWNLD और इंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे शेड्यूल आईडी जो हमने क्रिएट की थी, शेड्यूल आईडी उसी को डालेंगे, ये हमने क्रिएट की है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इस जगह हम पेस्ट करते हैं। अब हम डिस्प्ले लॉक पे चेक करेंगे, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करते ही ये मैसेज आ जाएगा, शेड्यूल डाटा डाउनलोड सक्सेसफुल, मतलब हमने जो डाटा डाउनलोड कर लिया है, जो क्रिएट किया था वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। अब हम इसके बाद बैक जाएंगे, अब डाउनलोड हमारा हो चुका है, इसके बाद हमें मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए हमें टी कोड डालना पड़ेगा, ZMO IPVS और एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने पर हमारी ए स्क्रीन खुल के आएगी, इसमें हम डिस्पैच शेड्यूल पर जाएंगे। डिस्पैच शेड्यूल पे जाने के बाद हम यहाँ पे फैसिलिटी आईडी डालेंगे बरेली L1R की, जहाँ से हम बनाया है, जहाँ से हमने शेड्यूल क्रिएट किया है वहाँ की आईडी, MO 3035। इंटर प्रेस करेंगे। अब हमें उस शेड्यूल को खोजना है, वो शेड्यूल कहाँ पे है। इसके लिए देखिए यहाँ पे अगर हम इसे खोजने जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे शेड्यूल बनने पड़े हैं, 1135, तो इसमें खोजना बहुत ही कठिन काम है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, हमने जो डिपार्चर टाइम डाला था उसके हिसाब से हम यहाँ से आप इसको हम खोज लेंगे। तो डिपार्चर टाइम हमारा था उसमें 5:30 हमने डाला था, आपको याद होगा, तो हम 5:30 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जाए 5:30, ये है 5:30, इस पर हमने किया, ये देखिए हमारा शेड्यूल शो कर गया जो हमने बनाया था, ये हमने बनाया था, लेकिन अभी देखिए मेंटेन नहीं है, इस वजह से देखिए अभी ये रेड कलर में आ रहा। और ये देखिए अभी तक यहाँ कहीं शो नहीं कर रहा था, अभी तक जो हमने शेड्यूल मेंटेन किए थे उसमें डिस्पैच कट ऑफ टाइम अभी तक नहीं आ रहा था, जो कि अब देखिए आने लगा है यहाँ पे। तो हमें इसे भी मेंटेन करना है, इसे मेंटेन करने के लिए हम इसमें जाएंगे। पहले तो हम इसमें गए, फिर यहाँ पे क्लिक किए। अब हमें जैसे
डिस्पैच कट ऑफ टाइम इतना रखना है आधा घंटा पहले, 5:30 है, तो हम ये चाहते हैं कि जो 5 बजे तक जो बैग बनेंगे उस बैगों को हम इस शेड्यूल में हम उसको भेज सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसमें क्या डालना पड़ेगा, आधा घंटा पहले का टाइम, मतलब 0.30 इसको हम कर देंगे, 0.30 कर देंगे, इसको सेव कर देंगे, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कह रहा है प्लीज मेंटेन DMSL, कह रहा है पहले आप इसको मेंटेन कीजिए। अभी हमने DMSL मेंटेन नहीं किया तो इसको हमें मेंटेन पे करना पड़ेगा, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद मेंटेन पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ से बैग सेलेक्ट करेंगे, रजिस्टर्ड बैग इसमें जाते हैं, गए कौन कौन किस किस आवश्यक बैग जाते हैं उसे हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम जिस ऑफिस के फैसिलिटी आई डाल के उसको हम मेंटेन करेंगे, बरेली जो कि डाल दी हमने, जहां जहां के बैग आप बनाते हो सारे बैग इसमें पड़ेंगे, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। इस तरह से हम सारे बैग डाल देंगे इसमें और उसके बाद हम सेव बटन क्लिक कर देंगे, सेव कर दिए। अब हम इस टाइम को हम मेंटेन कर सकते हैं 0.30, मतलब 5 बजे तक के बैग को हुआ निष्पादन करने के लिए भेजने के लिए, उन 5 बजे तक के जो बैग बने हैं उसे भेजने के लिए हमें यहाँ पे 0.3 के, अगर हमें 1 घंटा पहले के बैग मतलब 4:30 तक के बैग को यहाँ भेजना था तो हम यहाँ पे 1.0 डालते हैं। हमने 0.30 डाला, मतलब 5 बजे तक जो हमारे बैग बनेंगे हम उन सभी बैगों का निस्तारण इस शेड्यूल के माध्यम से कर सकते हैं। ये हमने कर दिया, इसको करने के बाद हमें यहाँ पे इसको सेव बटन क्लिक करना, सेव करते ही देखिए मैसेज आ गया, डेटा सेव सक्सेसफुली। इस तरह से हमारा शेड्यूल देखिए कि क्रिएट हो चुका है। धन्यवाद।